पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। पहले बहुत गुस्सा आता था, तो गुस्सा पूरा खत्म हो गया, अब गुस्सा नहीं आता है। और छोटी छोटी बातों का टेंशन रहता था, कभी कभी फ्यूचर का बहुत टेंशन आता था। नमस्ते, मेरा नाम आनंद गांगजी है। तो 2002 में मेरे गुरु श्री नागनाथ महाराज से नाम का दीक्षा लिया था। तो उन्होंने डेली एक घंटा ध्यान करने बोला था, तो डेली एक घंटा ध्यान ट्राई करता था, पर ध्यान नहीं लगता था। तो ऐसे ही 2002 से 2014 तक ऐसे टाइम चला गया। बीच में सीए का कोर्स ज्वाइन किया था, तो उसके पढ़ाई के टाइम पे भी मैं ध्यान करता था, नहीं लगता था, फिर भी एक घंटा करता था रोज। तो बाद में पत्री जी का क्लास सोलापुर में है, ऐसे न्यूज़पेपर में पढ़ना हुआ। तो क्लास अटेंड करने के बाद में पता चला ध्यान कैसा करना है। क्लास में पत्री जी ने फ्लूट के साथ ध्यान कैसे करना वो सिखाया और ध्यान करवा के लिया। और एक घंटा ध्यान करने पर भी ऐसा लगा कि खाली 10 मिनट ही ध्यान किया है। तो ध्यान की एकदम सीधी साधी टेक्निक, आनापान सति और सांसों पे ध्यान देना, ये पत्री जी ने सिखाया। उसके बाद में ध्यान ख़त्म होने के बाद हॉल में पत्री जी ने सबसे शेक हैंड किया, तो मुझसे भी शेक हैंड करना हुआ। तो उसके बाद में एक महीना मुझे एनर्जी फील हुई और एक महीना बहुत अच्छा ध्यान हुआ। उसके बाद मैं कंटिन्यू रोज़ाना एक घंटा ध्यान कर रहा हूँ। उसके बहुत सारे बेनिफिट्स मुझे प्राप्त हुए, जैसे कि पहले बहुत गुस्सा आता था, तो गुस्सा पूरा ख़त्म हो गया, अब गुस्सा नहीं आता है। और छोटी छोटी बातों का टेंशन रहता था, कभी कभी फ्यूचर का बहुत टेंशन आता था, फाइनेंस का टेंशन आता था, काम का टेंशन आता था। अब रेगुलर ध्यान करने के बाद कोई टेंशन नहीं आता, हर एक घटना खाली देखना होता है, तो खाली प्रेजेंस है ऐसे ध्यान में आता है। और घटनाएं हो रही है, हम देख रहे हैं, और सब काम अपने आप हो जाते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग ध्यान से मिली। तो पत्री जी ने जो आनापान सति ध्यान सिखाया, उसके वजह से ध्यान में इंटरेस्ट भी आने लगा, ध्यान होने भी लगा, और बहुत सारे लोगों से जुड़ना हुआ जो ध्यानी हैं। मैं सोलापुर से हूँ, तो सोलापुर में भी एक बड़ा पिरामिड बना है, अब वहाँ जाके भी हम ध्यान करते हैं डेली, दूसरों को भी ध्यान सिखाते हैं। और डेली घर में ध्यान करते वक्त गाइडेड मेडिटेशन सभी पीएमसी हिंदी चैनल पे अवेलेबल है, और पीएमसी मराठी इंग्लिश भी है। पीएमसी हिंदी पे देख के रोज़ ध्यान करता हूँ मैं, और लाइफ एकदम सेट हो गई है, सब ठीक से चल रहा है। ये सभी ध्यान से और पत्री जी से, बहुत सारे ध्यानी लोगों से मुझे जो ज्ञान और गाइडेंस प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और आप ही ध्यान करिए और एक सेटिस्फैक्ट्री लाइफ कैसे जीते हैं वो खुद जी के अनुभव में आके देखिए। तो आप भी जब ध्यान करेंगे तो आपको पता चलेगा, जो इनर पीस और कुछ इनर अंडरस्टैंडिंग है, जो डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग होती है, कुछ बुक्स पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं आध्यात्मिक क्वेश्चन, तो उसका भी आंसर ध्यान में मिलता है, नहीं तो ध्यान के वजह से कहीं से तो उसका आंसर मिल जाता है। तो ऐसे जब अनुभव आते हैं तो मन और उल्लासित होता है, और ध्यान करना है ऐसे लगता है। इसलिए ध्यान करो, आनंद पाओ, फिर ध्यान करो, फिर आनंद पाओ, इतना ही मेरा कहना है। और सभी को ध्यान करना है, यही मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ। धन्यवाद।